वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग 20 के सब्सक्राइबर से बहुत नजदीक है। आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। शायद से ये हम टारगेट दिसंबर तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू RW रिव्यूज। आज बात करने वाला हूँ कि बियर्ड ऑयल किस तरह से यूज किया जाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, यार RW आपकी बियर्ड जितनी अच्छी की और किस तरह से आपने बियर्ड मेंटेन की है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि बियर्ड मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रॉपरली उसको ट्रिम करो टाइम टू टाइम और साथ ही में आप प्रॉपरली बियर्ड को अच्छे ऑयल से नरिश करो तो। सो आज आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे एक प्रॉपर बियर्ड ऑयल आपके बियर्ड्स पे लगाना चाहिए और साथ ही में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको बियर्ड्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो आज मैंने लाया है मैन अर्डन का, मैं बियर्ड ऑयल लगाने वाला हूं जो मैंने यहां पे रखा है किधर। सो यहां पर मैंने रखा है इस बियर्ड ऑयल को और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नॉर्मली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि और आप दूसरे बियर्ड ऑयल्स भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये बेस्ट लगता है। और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि एक और सस्ता बियर्ड ऑयल है जिसे हम कहते हैं कोकोनट ऑयल, आप अपने बियर्ड्स पे लगा सकते हो। सो मैन अर्डन का ये बियर्ड ऑयल आज आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपकी बियर्ड जो है वो प्रॉपरली वॉश करके ड्राई करनी है। और वॉश कैसे करना है, जब आप नॉर्मली नहाने जाते हो तभी आप पानी से नॉर्मली वॉश कर दो, और गर्म पानी से अगर वॉश करो तो बहुत अच्छा, गर्म यानी कि इतना भी गर्म नहीं, गुनगुना पानी, बिकॉज अंदर से वो पूरी तरह से सतह साफ कर देगा। सो जैसे आप देख सकते हो मैंने पूरे बियर्ड्स अच्छे से साफ कर दिए हैं पूरे गर्म पानी से। अभी मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ये बियर्ड ऑयल लूंगा आप देख सकते हो मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, जितने मेरे बाल रहेंगे बियर्ड, जितनी मेरी बियर्ड ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा ऑयल लेना है। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये फिंगर टिप्स पे ले रहा हूं ऐसे ऑयल को, आप देख सकते हो, और साथ ही में यहां ये ऐसे इस तरह लगा रहा हूं, मतलब ये मेरे सब उंगलियों को ऐसे लग गया है तो आप देख सकते हो, और बाकी पाम पे जो बचा हुआ है जस्ट ऐसे आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो फिंगर्स है आपको ऐसे करने हैं, मींस अंदर रूट्स तक लेके जाना है बालों को, बालों के रूट्स तक आप लेके जाओगे तो उतना अच्छा न्यूट्रिशन आपके बालों के जड़ों को मिलेगा, तो आप देख सकते हो। और ज्यादा जोर से ऐसा करना नहीं है, नहीं तो आपके जो रूट्स है वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको उसको जेंटली करना है। थोड़ा सा मुस्टाच पे ऐसा कर दीजिए, मुस्टाच पे घसिए मत, बस ऐसा कर दीजिए। आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली बियर्ड ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद आप कहोगे कि इसके ऊपर हम कंघी मारे, नहीं कंघी नहीं मारनी है, हाथों से ही इसे सेट करिए। अगर आपकी बियर्ड्स बड़ी रहेगी तो ही आपको कंघी की जरूरत है, नहीं तो आपको कंघी की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने प्रॉपरली बियर्ड्स को ऑयल लगा लिया है। और इसके बाद मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो बचा कुचा ऑयल है मैं हाथ पे, मतलब मैं किसी कपड़े से पोंछूं या फिर इसको मैं ऐसे करूं, बिकॉज ये बाल भी बाल रहते हैं, तो फिर आप नॉर्मली इस बचे हुए बालों को ऑयल को अपने सर पे लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मैंने बियर्ड ऑयल अपने दाढ़ी पे लगा लिया है। अब जिस टेक्निक से मैंने लगाया उससे क्या हुआ, जिस टेक्निक से मैंने लगाया उससे एक्चुअली ये हुआ कि बाल जो है वो जड़ों, मतलब ऑयल जो है वो जड़ों तक गया, और अंदर गर्म पानी से मैंने धोया था तो वो जो तेल है, जो बियर्ड ऑयल है, वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज अंदर की स्किन अभी भी गर्म रहेगी जो ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पैची बियर्ड्स यानी कि पैच पैच में जो बियर्ड्स आते हैं और फिर बियर्ड नरिशमेंट, ये सब अच्छे से मिलेगा और पैची बियर्ड्स का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सो ये एग्जैक्टली सही तरीका रहता है बियर्ड ऑयल लगाने का। कुछ लोग क्या लेते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लेते और थोपते पूरे चेहरे पर, जो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उससे ये होता है कि आप एंड अप करते हो अपने बियर्ड्स को डैमेज करने पे, और फिर बाद में बियर्ड ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है। और फिर से एक बार जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपके बियर्ड ग्रोथ आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं और आपकी एज पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप 15-16 साल के बच्चे और आप बियर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऑयल लगा के मेरी बियर्ड्स आ जाए, वैसा नहीं रहता है। बियर्ड ऑयल जो रहते हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग बियर्ड की ग्रोथ को
और स्पीड बढ़ा देती है। और ये स्पीड कैसे बढ़ाती है, जैसे आपके बियर्ड्स को नरिशमेंट मिलता है वैसे। ये बियर्ड ऑयल वगैरह तो अब भी आना स्टार्ट हुए हैं, पहले लोग नारियल तेल ही लगाते थे, घी लगाते थे। सो ये वीडियो शायद से आपको हेल्प कर जाए प्रॉपरली बियर्ड मेंटेन करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम 20K सब्सक्राइबर के बहुत पास है। आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। आपको कौन सा वीडियो और चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन इट्स रोहन वाक्चर।